आरंभ तो अच्छा हुआ, सब सहजता से मान भी गए। अब हमें सारे कार्य शीघ्र ही पूर्ण करके वापस लौटना है। रुक जाओ मारुति। पिताजी को पता चल गया ना, तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। रूमा तुम चलो ना चलो, हम तो जा रही हैं। हम तुम्हें इतना प्रताड़ित करेंगे कि तुम अपनी मृत्यु की याचना स्वयं करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु आएगी नहीं। गंधर्व राज पनाश तुम? हाँ मैं। बात बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो तुम शंखचूर। देवताओं को दी मेरी शिक्षा को तुमने पराजित किया है, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो देवताओं पे तुम्हारी जीत निश्चित है। तो तुम युद्ध करोगे वो भी अकेले? हाँ मैं अकेले लड़ूंगा तुमसे शंखचूर। और इस प्रकार पनाश ने देवताओं की रक्षा की और पनाश ही मेरे पुत्र सुग्रीव को इस योग्य बना सकते हैं कि वो राम की सेना का नेतृत्व कर सके। गंधर्व परंपरा के अनुसार गंधर्व राज को अपने उत्तराधिकारी को सभी शक्तियां और कलाएं देनी ही पड़ती हैं। अब तो ये विवाह होकर ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु का आदेश है। प्रभु के आदेश का पालन करके आप मुझ पे भी कृपा करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चामवंत काका, अब हमें गंधर्व लोक जाना होगा। वो तो है प्रभु, किंतु मैं कैसे जाऊंगा प्रभु? मंदिर में तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ, वहां क्या ढूंढ रही हो? फल तो दूसरी ओर लगे हैं। ठीक है चलो। शीघ्र ही फल तोड़ लो, कहीं कोई आ न जाए। किंतु तोड़ू क्या, यहाँ तो किसी भी वृक्ष पर फल है ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सिद्धिका? सिद्धिका ठीक कह रही है,
वृक्षों से किसी ने सारे फल पहले ही तोड़ लिए। अभी तो वृक्षों पर एक भी फल दिखाई नहीं दे रहा था, और ये अब अचानक फल कहाँ से गिरने लगे? अवश्य ही ये तुम्हारा वही वानर पुरुष है रूमा। शीघ्र ही ये फल उठाओ और चलो यहाँ से। छोड़ो हमें जाने दो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे जैसे रूपवान तो कोई है ही नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे दुष्ट, छोड़ो। कोई है? कोई रुक है? जाओ दुष्ट राक्षस। मासूम स्त्री को सताकर बहुत बड़ी भूल की है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य।
ये तो भयानक राक्षस है, इसे ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। चलो यहां से, जल्दी चलो। हे देवी, आप यहीं कहीं छुप जाइए। हे प्रभु, मैंने सदैव आपकी पूजा अर्चना की है, आज एक पापी एक निर्बल कन्या पर अत्याचार करने जा रहा है प्रभु। आप मुझे शक्ति दीजिए प्रभु कि मैं उस पापी से इस कन्या की रक्षा कर सकूं। Yeah!
आपने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उस असुर को पराजित किया, मुझे उसके पंजों से छुड़ाया। आपकी वीरता प्रशंसनीय है। काका, पिता पवन देव ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो वे ही गंधर्व लोक पहुंचने में हमारी सहायता करेंगे। पिता पवन देव, कृपया दर्शन दें, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। पिताजी, मारुति, गंधर्व लोक या अन्य किसी लोक में वरदान प्राप्त मनुष्य या सिद्ध तपस्वी तो जा सकते हैं। जी पिताजी। किंतु जामवंत जी ना तो सिद्ध योगी हैं, ना इन्हें कोई वरदान प्राप्त है, इसलिए इनका सदैव गंधर्व लोक जाना सहज नहीं है। फिर भी प्रभु श्री राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए हम ये कार्य अवश्य करेंगे। हे धरती से अंतरिक्ष तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सभी प्रकार के वायु के अधिष्ठाता 49 मारुत गणों, कृपया प्रकट हों। तितिपुत्रम निजंगम नौ चत्वारिं शतमरुत प्रगटो भव उपस्थितो भव आहवाया। हे मारुत गणों, आप सबको मिलकर जामवंत जी को गंधर्व लोक ले जाना है। जो आज्ञा दे। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं उस असुर को परास्त कर पाया हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, आप नट सम्राट हो। आप हम सब गंधर्वों के स्वामी हैं प्रभु। आप ही की कृपा से हम गंधर्व होकर हमें देवताओं का सम्मान मिल रहा है। गंधर्वराज, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। हम तो कह रहे थे कि आप अपनी पुत्री रूमा के विवाह का उत्तरदायित्व हमें सौंप दीजिए।